राडू शर्मा जी, गौरव शर्मा कमेंट्री बॉक्स के पास आए, गौरव शर्मा कमेंट्री बॉक्स के पास। दर्शक थोड़ा सा जल्दी मैदान खाली करें। दर्शक अभी ये सातवां आठवां दिन है, कभी भी इतनी आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी, आपको रस्सा से 5 फुट पीछे रहना है। आपको रस्से से 5 फुट दूर रहना है। जादव ने टीम खेलेगी तो उनको भी वापस टी शर्ट दी जाएंगी। बसई नवाब और मालोनी का एक एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए, नहीं तो 9 रन दिया जाएगा या 5 रन स्कोर में से कम किए जाएंगे अगर आप लोगों का कोई खिलाड़ी हमारे पास नहीं आता है तो। एक एक खिलाड़ी दोनों टीमों का हमारे पास रहेगा। देखिए आप लोगों की टेंशन फ्री कर दें, मालोनी पवार खड़ी है, क्यों खड़ी है हमको नहीं मालूम। दर्शक केवल और केवल मालोनी खुर्द की एंट्री हमारे पास हुई है और मालोनी खुर्द का ही मैच था। और आपको तो किसी से भी खेलना हो, मालोनी पवार और मालोनी खुर्द मतलब नहीं है, आप खिलाड़ी हैं, किसी से भी खेलना हो आपको खेलिए। हमारे पास मालोनी खुर्द की ही एंट्री जमा हुई थी। मालोनी पवार क्यों आई है तो वो दर्शक है, वो मैच देखने के लिए आए हैं। गौरव शर्मा, रानू शर्मा, लव प्रताप सिंह जी हमारे बीच जो गेस्ट आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। खिलाड़ी इधर से हट जाइए भैया, रास्ता दिख नहीं रहा है क्या? आप लोगों को अगर कोई दर्शक पार करेगा या हमारे बाउंसर पार करेंगे तभी अच्छा लगेगा। सारी व्यवस्था है, जब ये लाइव चल रहा है तो बाउंसर नहीं होंगे। ये जयपुर से आए हैं अमन परमार जी, इसीलिए आए हैं। बहुत अच्छा मैच होने वाला है, सारा मैच लाइव चल रहा है। धौलपुर राजस्थानी देसी नहीं केवल विदेशों में भी आप YouTube पर लाइव करें और मैच का आनंद लें। मैच शीघ्र प्रारंभ करवाएं। आप लोग मैच अगर शीघ्र प्रारंभ नहीं करेंगे, कमेटी और हमारे जो एम्पायर हैं वो शीघ्र डिसीजन ले रहे हैं। केवल 8 ओवर का मैच आपका किया जाता है। दोनों ही खिलाड़ी अगर विलंब करेंगे, 5 मिनट में अगर मैच प्रारंभ नहीं हुआ तो 8-8 ओवर का ही मैच आप लोगों को खेलना पड़ेगा। बसई नवाब के कोई खिलाड़ी अभी मैदान में नहीं पहुंचे हैं। कमेंट्री बॉक्स में एक एक खिलाड़ी बसई नवाब और मालोनी का आ जाए। और हमारे बीच परम सम्मानीय कैथरी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब अजयकांत शर्मा जी, जिन्होंने अपने कैथरी गांव का नाम काफी
ऊंचाई तक लेकर के गए। दिल्ली में इनको प्राइज भी दिया गया, बेहतरीन अभी तक जो भी सारे सरपंच साहब रहे, कैथरी का दिनों दिन प्रगति करते रहे, सभी का बेहतरीन योगदान रहा। और राजनीति में तो सरपंच साहबों की पकड़ रहती है, प्रशासनिक अधिकारियों से बड़ी बेहतरीन तालमेल अजय कांत शर्मा जी का। मैच प्रारंभ करें, मैच प्रारंभ होने में क्या देर आ रही है भैया आपको? खिलाड़ी पहुंच नहीं रहे हैं। सोनी और शंकर ग्राउंड में क्या कर रहे हैं रे? जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग लगाओ भैया, 8 ओवर का ये मैच रह जाएगा बाद में, अभी 10 का है फिर 8 का रह जाएगा। मालोनी की टीम अपनी फील्डिंग लगाए जल्दी से जल्दी। दोनों टीमों से स्कोरर के पास कमेंट्री बॉक्स के पास एक एक खिलाड़ी जरूरी है। और मैं निवेदन करूंगा लाला बोरे अजयकांत शर्मा जी, हमारे सरपंच साहब ठाकुर योगेश्वर सिंह जी पूर्व सरपंच साहब पधारे, पिंकू साहब मैच प्रारंभ किया जाए। और हमारे बीच ठाकुर जोगेश्वर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में पधारे हुए सभी महानुभावों का, केपीएल क्लब आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। कमेंट्री बॉक्स पर कैथरी सरपंच साहब अजयकांत शर्मा जी, राजेश जी, ठाकुर साहब वीरेंद्र परमार जी, जोगेश्वर सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, राम नारायण शर्मा दादाजी, पिंकू बोरे, राम प्रकाश बोरे, प्रकाश जी, नरेंद्र शास्त्री जी, पाड़िया जी और भी समस्त जितने भी सम्मानित गुड्डू दादा, जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उन सब का कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। इसी कड़ी में आप लोगों को बता दें 1 जून को इसका शुभारंभ हुआ और विभिन्न भामाशाहों ने इसमें सहयोग दिया। इसी में मैं समिति सदस्यों का लव प्रताप सिंह जी, कुश प्रताप सिंह जी, रजनीकांत शर्मा, गौरव शर्मा, रानू शर्मा, आकाश शर्मा, अजय परमार जी, सोनू तोमर साहब, एम्पायर दुष्यंत शर्मा जी, लेग एम्पायर सोनी वर्मा जी, सोनी तोमर साहब सॉरी क्षमा करें, मैच शीघ्र प्रारंभ करवाएं। इसी बीच
कमेटी के सदस्य सभी कमेंट्री बॉक्स के पास आए। कमेटी सदस्य मैच दुष्यंत शर्मा जी, मैच को प्लीज 2 मिनट के लिए रोका जाए। कमेटी सदस्यों से आग्रह, कमेंट्री बॉक्स के पास आए। वर्तमान सरपंच साहब अजयकांत शर्मा जी का स्वागत करें और तुरंत मैच को प्रारंभ करें। शिव शर्मा जी, आकाश शर्मा जी, लव प्रताप सिंह जी, अजय परमा जी, कुश प्रताप सिंह जी, चालू है वो वैसे कमेटी सदस्य सरपंच साहब का स्वागत करते हुए। आप भी आइए, गौरव शर्मा जी, रानू शर्मा जी भी आप भी आइए। कमेटी सदस्यों से आग्रह है सभी आ जाएं। अजय परमार साहब, सोनी तोमर, मैच को प्रारंभ किया जाए। नहीं नहीं तुम बे ले रहे हैं ना। ट्रॉफी के साथ, ट्रॉफी तो ले लूं। मैच को प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद आप सब अतिथिगणों का जो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैदान में उपस्थित हुए। आप लोगों को बता दें 10 ओवर का मैच है। मालोनी ने टॉस जीत करके बॉलिंग करने का फैसला और सामने बैटिंग करती हुई बसई नवाब। तीन ओवर की पावर प्ले, स्ट्राइक पर डब्बू, नॉन स्ट्राइक पर भूदेव, बॉलर नेम ओमवीर। पहला ओवर शुरू होते हुए ये न केवल धौलपुर कैथरी बल्कि राजस्थान और देश और विदेश में भी हमारा KPL लाइव आ रहा है, जिसको YouTube पर आप सर्च करके देख सकते हैं। जो खिलाड़ी मेरे राइट एंड में है वो रस्सा से 5 फुट दूर, 5 फुट दूर का नियम है, रस्सा से 5 फुट दूरी पर बैठ जाएं, 5 फुट दूर हट जाएं। मैच प्रारंभ करें दुष्यंत शर्मा जी। पहली बॉल ओवर की, सामना करते हुए डब्बू और ये पहली बॉल डॉट बॉल। काफी अनुभवी एम्पायर दुष्यंत शर्मा जी। सोनी तोमर लेग एम्पायर। प्रत्येक सिक्स पर दिलीप शर्मा जी द्वारा नमकीन का पाउच दिया जाता है। अच्छा शॉट निकाला और ये बाउंड्री फोर रन। बसई नवाब, मालोनी खुर्द, मालोनी खुर्द ने टॉस जीता। बसई नवाब बैटिंग करते हुए पहला ओवर। बसई नवाब खेलते हुए
और ये बॉलिंग पर सामना करेंगे डब्बू। एम्पायर नो बॉल का इशारा, फोर रन और ये पांच रन, पांच रन। काफी अनुभवी एम्पायर दुष्यंत शर्मा जी फ्रेट। आप लोगों को बता दे जो भी निर्णय होगा एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस बीच कोई भी दर्शक कोई भी खिलाड़ी मैदान में नहीं जाएंगे, बहस नहीं करेंगे। एम्पायरों से निवेदन है तीन ओवर का पावर प्ले है, दो खिलाड़ियों की बाध्यता है, दो से ज्यादा मेरे को बार दिख रहे हैं, नो बॉल का इशारा हो सकता है, ध्यान रखें दो खिलाड़ियों से बार होने पर नो बॉल। दो खिलाड़ी हैं, अगर सर्किल से दो खिलाड़ी से ज्यादा होते हैं तो नो बॉल का इशारा किया जा सकता है। और ये डॉट बॉल, दस ओवर का मैच, पहला ओवर। लाइव टेलीकास्ट में केवल उन्हीं के फोटो लेके लिए जाए जो ना धो करके आए हैं, पैंट शर्ट पहन के आए हैं। कल से लगता है सारे खिलाड़ी सूट वूट में आएंगे। और आप लोग ध्यान भी दें कि आप लोगों को कैथरी की पब्लिक को लाइव देखेंगे सब, तो बड़े अपडेट बन के आए। और चार रन लेग भाई, पहले ओवर की समाप्ति। तेरह रन, अच्छी रन रेट बसई नवाब की। मालोनी द्वारा खराब फील्डिंग, खराब बॉलिंग, पहले ओवर में 13 रन लुटाए ओमबीर ने। ओमबीर का काफी महंगा ओवर साबित हुआ 13 रन। बॉलर नेम पवन, मालोनी के नए बॉलर हैं पवन। मालोनी ने टॉस जीता पहले बॉलिंग का इरादा, और बसई नवाब खेलते हुए किसी बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में 13 रन। दूसरा ओवर की पहली बॉल लेकर के आए हैं पवन। और ये लाइव कास्ट आप रघु एंड पार्टी के द्वारा लाइव कास्ट, जो कि विभिन्न कथा भागवत। और ये सिक्स रन, बेहतरीन सिक्स रन, स्कोर हुआ 19। दूसरे भूदेव के बल्ले से, हार जीत निश्चित नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन नवकीन का पाउच भूदेव का पक्का हुआ दिलीप शर्मा जी द्वारा। प्रत्येक सिक्स पर नवकीन का पाउच दिलीप शर्मा जी द्वारा। दूसरी बॉल और ये डॉट बॉल, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 19 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, बेहतरीन दूसरा सिक्स, बेहतरीन। भूदेव ने दो नमकीन के पाउच पक्के किए, भूदेव 25, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। और ऊपर उठा रहा नीचे बॉलर, देखती है कैच और ये कैच आउट। भूदेव दो सिक्स लगा करके कैच आउट होकर आते हुए। भूदेव
भूदेव कमेंट्री बॉक्स के पास आकर के नमकीन के पाउच कलेक्ट करें। भूदेव भूदेव कमेंट्री बॉक्स के पास आकर के नमकीन के पाउच कलेक्ट करें। भूदेव न्यू बैट्समैन सनी, आज नए दर्शक आए हैं सत्यवीर परमार जी, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वीरेंद्र परमार जी, सरपंच साहब अजय कांत जी, राम नारायण दादाजी, धन्यवाद। और ये नमकीन का पाउच लेते हुए और ये अच्छी बॉल, स्कोर अभी भी 25 रन, एक विकेट के नुकसान पर बसई नवाब का स्कोर 25 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर। लाइव कास्ट आप देख रहे हैं श्री हरि शरणागति यूट्यूब चैनल पर। देखिए ओवर की समाप्ति, दो ओवर के बाद 26 रन, दो ओवर की समाप्ति पर बसई नवाब का स्कोर हुआ 26 रन। श्री हरि शरणागति केपीएल, आप यूट्यूब पर लाइव अपने जहां भी बैठे हैं वहां भी यूट्यूब चला सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है श्री हरि शरणागति केपीएल। इस चैनल को आप यूट्यूब पर डालेंगे, मोबाइल पर अभी भी डालेंगे तो आपको नजदीकी से मैच का आनंद ले सकते हैं। श्री हरि शरणागत केपीएल, दो ओवर की समाप्ति 26 रन, तीसरा ओवर प्रारंभ। ओमबीर अपना दूसरा ओवर लाते हुए वाइड बॉल से श्री गणेश, पहले भी 13 रन दिए थे, वन बाउंस और पीछे ड्रम में पानी की बोतल और जग है सभी दर्शकों के लिए। पानी की बोतल कमेंट्री बॉक्स के पीछे है। अच्छा शॉट और एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। स्कोर 27 रन हो गया ना, 28 रन। पावर प्ले का अंतिम ओवर, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट और अच्छी फील्डिंग, एक रन पूरा किया। ओवर थ्रो और ये कीपर के हाथों में, नो बॉल, नो बॉल, दो रन मिले, एक नो बॉल, एक रन दौड़ के। आप इस चैनल को लाइक करें, घर पर बैठे हुए अपने फ्रेंड दर्शक मैच का आनंद लेते हुए छतों पर से नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा, बाहर से दर्शक आए हुए हैं मैच का आनंद लेते हुए। और ये पहला रन आसानी से, और दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन मना किया, थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में।
कमेंट्री बॉक्स के पीछे शीतल पेयजल की व्यवस्था है, कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे ठंडा जल है, कमेंट्री बॉक्स के राइट एंड में आप लोगों के लिए चाउमीन, पतासी, बर्गर, पिज्जा, इडली, डोसा, आइसक्रीम सब चीजें, उसका आनंद लें। पेटीज और ये तीसरा ओवर प्रगति पर, और ये कोई रन नहीं। दर्शक काफी ज्यादा संख्या में बढ़ते हुए मैच का आनंद ले रहे हैं। दर्शकों से केवल निवेदन है, ये जो आपको रस्सा दिख रहा है, बाउंड्री दिख रही है, उससे 5 फुट दूर रहे। दर्शकों से निवेदन है, इसके बाद में तीसरा मैच प्रारंभ होगा। ओवर पावर प्ले की समाप्ति पर, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ बसई नवाब 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन, काफी अच्छी रन रेट। दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद में बेहतरीन मैच होगा, ग्वालियर और बाड़ी की टीम में मैच होगा। इसके बाद में काफी अच्छे रणजी खिलाड़ी आए हैं ग्वालियर टीम से। अगला मैच ग्वालियर वर्सेज बाड़ी, इसलिए दर्शकों से निवेदन है, आराम से अपना स्थान ग्रहण करें, आराम से बैठें, अच्छा मैच होगा। पावर प्ले की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, बसई नवाब 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सामना कर रहे हैं। और जैसा कि सामना करेंगे सनी, आप लोगों को बता दें मालोनी खुर्द ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का इरादा, और बसई नवाब की ओपनिंग जोड़ी में से 1 विकेट गिरने के बाद 3 ओवर पावर प्ले की समाप्ति पर 31 रन। चौथा ओवर चलता हुआ 10 ओवर का ये मैच है, सामना करेंगे सनी। और बैठते लगे 1 रन पूरा किया सनी ने, रन आउट की अपील, लेकिन एम्पायर ने नकारा। डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल और बीआरपी कॉलेज की तरफ से प्रत्येक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी के साथ बीआरपी कॉलेज की एक टी शर्ट प्रदान की जाती है। और ये अच्छी बॉलिंग, लाइव टेलीकास्ट के पास जो भैया सामने आ गए हैं, कमेंट्री बॉक्स से थोड़ा सा धन्यवाद। चौथा ओवर और ये अगली बॉल डॉट बॉल, कोई रन नहीं। बाउंड्री पे चारों तरफ जो दर्शक बैठे हुए हैं उनका भी फोटो लिया जाए, लाइव टेलीकास्ट में बाउंड्री के चारों तरफ जो दर्शक बैठे हुए हैं काफी संख्या में, जो छतों पे दर्शक बैठे हुए हैं, छतों पे भी दर्शक बैठे हुए हैं उनका भी फोटो लिया जाए जिससे वो चैनल को देख सके। कोई रन नहीं। श्री हरि शरणागति केपीएल, जितने भी खिलाड़ी बाहर से आए हैं वो अपने परिवारजनों को अगर अपना लाइव प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं
रिटायर हर्ट, कोई फ्री हिट नहीं दे रहे, एक खिलाड़ी रिटायर हर्ट, आउट। इशारा सही करेंगे तो हम समझ पाएंगे। सोनी तोमर साहब आउट, रिटायर आउट। आउट कैसे हुआ? लेग एम्पायर प्लीज अगेन। दोनों एक रन पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। और रजौरा खुर्द से दीपू, दीपू भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो कमेंट्री बॉक्स के पास आए। रजौरा खुर्द न्यू बैट्समैन नेम देवा, न्यू बैट्समैन नेम देवा। चौंतीस सफेदी लेकर के ग्राउंड में पहुंचे, सफेदी लेकर के ग्राउंड में पहुंचे। मुनेंद्र एंड पार्टी, मुनेंद्र भैया सफेदी लेकर के ग्राउंड में पहुंचे। इसी बीच और फ्रेट एक रन पूरा किया सनी ने। चौथा ओवर प्रगति पर, स्कोर 35 आउट। एम्पायर सोनी तोमर द्वारा आउट। चार ओवर की समाप्ति, 35 रन। बसई नवाब चार ओवर की समाप्ति, 3 विकेट, 35 रन, 35 रन। मेरे साथ में जो भी दर्शक पधारे हुए हैं, कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। सरपंच साहब अजयकांत शर्मा जी, सतवीर परमार जी, वीरेंद्र परमार जी, शिव कुमार शर्मा जी, पूर्व सरपंच साहब ठाकुर जोगेश्वर सिंह जी, राम नारायण दादा जी, राम प्रकाश बोहरे, नरेश शास्त्री जी, गुड्डू दादा जी, दूजी बोहरे जी, मूंगा भैया जहाँ कहीं भी हो दूजी बोहरे जी याद कर रहे हैं। पवन पहुंच चुका है, मूंगा भैया भी पहुंचे। बॉबी शर्मा जी, पिंकू भैया जी, बैट्समैन नेम नीरज, और जितने भी बॉलर दुष्यंत, और ये अच्छा शॉट लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग। और एक रन पूरा किया दूसरे के लिए इरादा रेकिन चेंज। जिस किसी भाई ने सिक्स लगाए हो अपना नमकीन का पाउच कलेक्ट करे, दिलीप शर्मा जी द्वारा। और
अच्छी बॉल। अच्छा शॉट, छह रन। नीरज, नीरज के बैट से निकला हुआ पहला सिक्स। 42, पांचवा ओवर प्रगति पर 42 रन, 3 विकेट के नुकसान पर बसई नवाब। और ये अच्छा शॉट, ऑलराइटमैन भोलू भैया फोटो खिंचवाने की जुगाड़ में आ रही है। कमेंटरों को सूचित किया जाता है आज सफेदी नाम नहीं लेंगे, कलई या और कुछ बोलेंगे। सफेदी नाम पर पाबंदी है। बड़े बुजुर्ग लोगों ने ऐसा आदेश दिया है सफेदी नाम नहीं बोलें। अच्छा, बाउंड्री पे प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं, फोर है या नहीं। भैया का नाम मोहम्मद बोलिए जी, बुलवाना। अरे यार दूसरा हो गया भैया, उधर नहीं है, ये तो उधर है भैया। ओ ये तो उधर है, आग उधर लग रही है और आप कैसे बोल रहे हैं पीछे। उसकी भी मम्मी का नाम है। रन कितने आए, रन रन इस बॉल, दो रन। अरे अब कुछ नहीं कहेंगे, ओवर नहीं हुआ। पवन, स्कोर 5 ओवर की समाप्ति, 45 रन। छठवें ओवर की पहली बॉल, 1 रन चुराया, 40 का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। छठवां ओवर प्रारंभ है, वोडाफोन एंड कंपनी अपना लिम्का थम्सअप माजा फ्रूटी लेकर के मैदान में। मजे बोल्ड, चौथे विकेट का पतन। इसी बीच आप लोगों को बता दें केपीएल का उद्घाटन 1 जून को बारी पंचायत समिति अजय सिंह मलिंगा जी द्वारा किया गया, जिसमें 11,000 रुपये की सहयोग राशि अजय सिंह जी द्वारा, 6100 रुपये की सहयोग राशि सतीश परमार जी द्वारा, सरपंच साहब अजय कांत शर्मा जी लाला बोरे की तरफ से 5100 रुपये। बाकी और भी सहयोग राशि की आवश्यकता पड़ेगी तो वो देते रहेंगे, उन्होंने ऐसा पहले भी कह दिया था, इसलिए निश्चिंत रहें। 3100 रुपये दिलीप शर्मा जी द्वारा, और जीती हुई प्रत्येक टीम को 1 कोल्ड ड्रिंक और प्रत्येक सिक्स पर 1 नमकीन का पाउच। स्कोर में कोई वृद्धि नहीं। राम प्रकाश जी बोरे द्वारा 2100 रुपये नगद पुरस्कार, नरेंद्र शर्मा जी रूंद का नगरा 2100 रुपये नगद पुरस्कार, कोई स्कोर में वृद्धि नहीं। मुकेश सेठ जी 500 रुपये, अतेन तोमर साहब जी 500 रुपये, और सभी मैच की मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी विनीत शर्मा जी 500 रुपये, नरेश शास्त्री जी द्वारा। अच्छा शॉट, और ये बॉल सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए स्टोनिस, 6 रन। बामर रन, इसी बीच आपका वसई नवाब का स्कोर हुआ बामर रन। और 500 रुपये नरेश शास्त्री जी द्वारा। कल भी कमेंटर एम्पायर और खिलाड़ियों को आइसक्रीम खिलाई थी नरेश शास्त्री जी ने, धन्यवाद। दामोदर कुशवाहा जी 500 रुपये का पुरस्कार कमेटी को, ओमी कक्का जी 200 रुपये पुरस्कार, और 3100 रुपये व मैन ऑफ दी मैच सीरीज, सेकंड रन अप जो सीरीज है वो पूर्व सरपंच साहब
ठाकुर जोगेश्वर सिंह जी, इससे भी अलग उनका सहयोग है 5 बीघा जमीन रुंधने के लिए, क्रिकेट मैदान में रुंधने के लिए, पता नहीं अगली फसल होगी या नहीं होगी, रुंधने के लिए दे रखी है खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उन्होंने दी है। केवल इसका खसरा नंबर मालूम करना है, दान में हम करवा लेंगे। ठाकुर जोगेश्वर सरपंच साहब जी द्वारा और अच्छा, इसलिए भैया ये दूसरा सरपंच साहब कह रहे हैं कि मेरी भी इसमें कुछ जमीन जा रही है, तो अजय कान शर्मा जी ने भी अपनी जमीन रुंधने के लिए दी है बच्चों के प्रोत्साहन हेतु। बहुत अच्छा स्टेडियम इसलिए बन सका, अच्छा फील्ड इसलिए बन चुका, सबका सहयोग है, आप सब लोगों का सहयोग है, इसलिए ये बच्चों के हौसले बुलंद हैं। और ये अभी आप पहली बार, मैच तो हो ही रहा है, पहली बार आप इसका लाइव देख रहे हैं। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ बामर रन, 4 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति बामर रन दुष्यंत द्वारा। 4 विकेट पवन ने लिए हैं, इसमें भी 4 विकेट पवन ने लिए हैं। अच्छा 7वां ओवर चलता हुआ, 10 ओवर का मैच है, बामर रन आप लोगों के बन चुके हैं, दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। अच्छी बॉल और 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, 1 रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। पानी की जब तक डिमांड नहीं होती है कैप्टनों द्वारा, कोई पानी नहीं पहुंचाया जाता है, कोई ड्रिंक ट्रॉली नहीं जाती है, कैप्टन बुलाते हैं फिर हम भेजते हैं, फिर भी ड्रिंक के लिए हमारी सदस्य वोडाफोन एंड कंपनी तैयार रहे। मुनेंद्र पानी की तैयारी करके रखें, नो बॉल का इशारा, एम्पायर दुष्यंत शर्मा जी द्वारा, काफ़ी अनुभवी एम्पायर, आगरा से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को बता दें KPL कैथरी की कोई भी टीम नहीं है, कैथरी गांव की कोई भी टीम नहीं है, इसलिए आप लोगों के साथ कोई भी गलत निर्णय नहीं होगा, कैथरी और लोकल का कोई भी एम्पायर नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। फ्री हिट कैथरी का कोई भी एम्पायर नहीं है, कैथरी की कोई भी टीम नहीं है, कैथरी पूरे गांव की कोई टीम नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, निष्पक्ष निर्णय होगा, उसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। जितने भी आप लोग बाहर से आ रहे हैं वो सब हमारे अतिथि हैं, आपका मोस्ट वेलकम, आप निश्चिंत रहें, निष्पक्ष निर्णय, इसलिए एम्पायर का डिसीजन ही मान्य होगा। 10 ओवर लदपुरा मैच जीत चुकी है, लदपुरा का मैच हो गया है, अभी इससे पहले लदपुरा का ही मैच चल रहा था, साणा वर्सेज लदपुरा का मैच हुआ था, टाणा वर्सेज लदपुरा। अच्छी बॉलिंग, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, और ये बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ 58 रन, 4 विकेट के नुकसान पर बसई नवाब। केवल 12 बॉल बची हुई हैं, केवल 12 बॉल बची हुई हैं। आलू होंगे या नहीं होंगे ये तो नथोली लाल जी से पूछिए, नथोली लाल जी काफी गंभीर समस्या में हैं। जैसे जैसे उसमें पब्लिक खेत में दौड़ती है नथोली लाल जी की धड़कनें बढ़ जाती हैं, इसलिए वो कहते हैं केवल 11 खिलाड़ियों को ही अंदर जाने दें, क्यों इतना रुंधवा रहे हैं। 7 ओवर, हाँ 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 58 रन और 1 रन पूरा किया वाइड बॉल, 2 रन, स्कोर 60 रन। बॉलर नेम ओबी,
होमवीर और लाइव टेलीकास्ट रघु परमार जी द्वारा, रघु सूरज एंड कंपनी लाइव टेलीकास्ट कर रही है एम्पायर का सारा नोबल। रघु परमार जी, सूरज जी लाइव टेलीकास्ट में काफी सहयोग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी श्रीमद् भागवत कथाओं का फ्रेट लाइव टेलीकास्ट इनके द्वारा किया जाता है। घर का जो फ्रेट नोवल कहते हैं, घर का जोगी जोगिना आन गाम का सिद्ध। रघु शर्मा जी को लोग बाग ज्यादा जानते नहीं है, बाहर काफी चर्चित नाम रघु। रन दो, दो रन और नोवल तीन रन, टोटल दो रन, दो रन नोवल फ्रेहेट सामना कर रहे हैं बसई नवाब के खिलाड़ी। और ये खाली बॉल निकाली ली, लेकिन 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 रघु परमारे भी कह रहे हैं, रघु परमारी तो बोल रहा हूँ। मुनेंद्र जी आप अपना स्थान ग्रहण करें, बहुत अच्छी तरह जानता हूं उनको, रघु परमार जी हैं, काफी सीधे शांत स्वभाव के। गुस्सा आती है, परसों गुस्सा आई थी। और ये ग्रामीणों से निवेदन है कि अगर बाय चांस 1% किसी टीम के साथ कुछ होता है तो ग्रामीण नहीं जाएं। एक रन पूरा किया, अच्छा लट्ठा से दूर हो जाएं, जो भी खिलाड़ी हैं रस्सा से और लट्ठा से, लाइट के जो पोल हैं उनसे भी दूर रहें, और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं भैया उनसे निवेदन है, छतों पर जितने भी दर्शक हैं सबका फोटो आना चाहिए, घर पे बता सकें कि हमने मैच देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक दिल्ली, नोएडा, आगरा दूर दूर से आए हुए हैं। 63 रन का स्कोर हुआ, 8वां ओवर प्रगति पर, 4 विकेट के नुकसान पर बसई नवाब। ये वो अगली बॉल और इसको बॉल को निकली पीछे, कोई रन नहीं, कोई स्कोर में वृद्धि नहीं, बसई नवाब 4 विकेट के नुकसान, 8वें ओवर की प्रगति। अच्छा अच्छा शॉट, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकल पड़े, दूसरा भी पूरा किया, ओवर थ्रो का। अच्छा एक रन, शॉर्ट रन था इसलिए एक रन होगा, शॉर्ट रन था। बेहतरीन गुड जजमेंट एम्पायर के लिए तालियां, बहुत अच्छा दुष्यंत शर्मा जी द्वारा, बहुत अच्छा निर्णय। रघु परमार जी का बहुत अच्छा सहयोग, YouTube पर आप देख सकते हैं। होमवीर और ये एक रन, बहुत अच्छी रनिंग लेगवाई, ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति 65 रन, 8 ओवर की समाप्ति पर 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी साउंड और उनका राजकुमार जी द्वारा,
साउंड की बहुत अच्छी व्यवस्था राजकुमार जी द्वारा, लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था भोलू द्वारा, और वीडियो की बहुत अच्छी व्यवस्था, वीडियो रिकॉर्डिंग सचिन कुशवाहा, बहुत अच्छी व्यवस्था, सभी का सहयोग। और आप लोगों को बता दें इस पिच का हाईएस्ट स्कोर 144 रन है, इसमें मुस्तकी ने केवल 50 लगाई है, और एक मैच में सुपर ओवर भी फेंका गया है, एक टीम ने सुपर ओवर भी खेला था। 144 हाईएस्ट स्कोर, न्यूनतम स्कोर 59। बीआरपी कॉलेज वर्सेज आदर्श नगर पचगांव का मैच हुआ था, बीआरपी कॉलेज ने 80 रन बनाए थे, 59 रन पर आदर्श नगर को रोक दिया था बॉलिंग के दम पर, और बीआरपी कॉलेज विजय भी रही थी। न्यूनतम स्कोर 59 रन, हाईएस्ट स्कोर इस पिच का 144 रन, औसत स्कोर 100, औसत स्कोर 100 रहा, कैच को ड्रॉप किया, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी पूरा किया, दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, पूरा ग्राउंड लबालब। और ये कमेंटर के लिए 500 रुपए गुड्डू चाचा, और दूजी बोरे 1100 रुपए, कमेंटर के लिए दूजी बोरे ने 1100 रुपए, कमेंटर के लिए 1100 रुपए दूजी बोरे, धन्यवाद। और गुड्डू चाचा 500 रुपए, धन्यवाद। हम मूंगा भाई साहब जहां कहीं भी हो दूजी बोरे से संपर्क करें, 1100 रुपए उन्होंने कमेटी के लिए दिए, कमेटी उनका धन्यवाद करती है। गुड्डू चाचा जी 500 रुपए कमेटी के लिए, कमेटी धन्यवाद करती है। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, और ये दूसरा रन भी पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 69, स्कोर बढ़ता हुआ 69। और ये दूजी बोरे बहुत बहुत धन्यवाद, कमेटी इनका बहुत आभार करती है, दूजी बोरे जी की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार कमेटी के लिए, गुड्डू दादा की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार कमेटी के लिए, धन्यवाद। और अभी तक जितने मैच हुए हैं प्रारंभ से होकर लास्ट तक, दूजी बोरे और गुड्डू दादा दोनों लास्ट तक अंतिम बॉल तक मैच का आनंद लेते हैं बड़े शांति से, ब्लैक भाई का इशारा एम्पायर दुष्यंत शर्मा जी द्वारा, बहुत अच्छे काफी अनुभवी आगरा से बिलोंग करते हैं, अच्छे अनुभवी एम्पायर, गुड डिसीजन। बम्बई के एम्पायर नहीं होते हैं, हीरो हीरोइन होती है, उनकी आवश्यकता नहीं है, एम्पायर आगरा के हैं। और ये 4 रन, और ये लल्ली बोरे आते हुए, लल्ला सरपंच साहब आते हुए, आइए क्या दे रहे हैं कमेटी को दान में। हाथ जोड़े की बात है, आराम से रहें, शांत रहें, दिलीप शर्मा जी मैच का आनंद लें। ओवर की समाप्ति, पानी भेजिए वोडाफोन एंड टीम, वोडाफोन टीम। 9 ओवर की समाप्ति, 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर बसई नवाब। 9 अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर में ही पी लेना, एक ओवर शेष है, लास्ट ओवर है, आप उसके बाद ही। गौरव शर्मा कमेटी सदस्य 1600 रुपए प्राप्त करें, 1000 रुपए दूजी बोरे, 500 रुपए गुड्डू चाचा जी, गौरव शर्मा कमेटी इनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आप लोगों के मनोबलों की वजह से ये बच्चों ने इतना अच्छा थीम तैयार किया,
लास्ट इस पारी का अंतिम ओवर रघु केपीएल कमेटी कैथरी प्रीमियर लीग कमेटी लव प्रताप सिंह जी, कुश प्रताप सिंह जी, रानू शर्मा जी, आकाश शर्मा जी, अजय परमार जी, और स्कोर में कोई वृद्धि नहीं, लेकिन एक रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन पूरा किया वाइड बॉल दो रन, अंतिम ओवर चार विकेट के नुकसान पर। छत्तर रन जनता को कल आराम से रोटी मिलेंगी, आराम मेरी तरफ से ही मिल रही है, मैं बनाऊं या मेरी बहनें बनाएं, रोटी तो आप लोगों को मिल ही रही है, बंद करवानी है तो बता देना, रोटी अगर बंद करवानी है तो बता देना, मेरी बहनों की कृपा है कि आप लोग यहाँ छह छह फुट खींच के आते हैं। अरे अंतिम ओवर अच्छा ओवर, अच्छा सम्मान दिया लेग एम्पायर छह रन, मैन एम्पायर देखते हुए मैनो एम्पायर डिसीजन देंगे, छह रन बेहतरीन, छह रन। नेक्स्ट टीम टॉस करके तैयार रहे, 83 रन, दसवां ओवर प्रगति पर 83 रन, बेहतरीन स्कोर नवाब सिंह का, अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, कोई खिलाड़ी नहीं है उस तरफ, उन्होंने खिलाड़ी लगाया ही नहीं है, 4 रन, 90 रन पूरे हुए। और आप लोगों को बता दें, जितने भी ससुराल से इन लोगों के टीम आ रही है, ये चालबाजी करके हरा रहे हैं, 87 रन का स्कोर हुआ दसवां ओवर चलते हुए, सबसे पहले ब्रह्मपुर की टीम आई, चालबाजी करके अपना एक लड़का घुसेड़ दिया और उसने कोई रन नहीं बनाए, 19 बॉलों को खा गए, वो भी हार गई। दूसरे नंबर पे चितौरा की टीम आई, उसमें भी एक बच्चे को एंट्री दी, उस बच्चे ने कोई विकेट नहीं लिए, वाइड बॉल दी और वो भी हार गई। कल मैच हुए थे दो ससुरालियों के, एक जगनेर की टीम, उसमें भी एक बच्चे को एंट्री दी और वो भी हरवा दी, और लास्ट में अजीतापुरा में 3-3 लोगों को घुसेड़ दिया, वो बेचारे इधर सरबत का इंतजार करते और टीम हार गई। इसलिए जारगा की कोई टीम नहीं आ रही है, निश्चिंत रहें, आएगी तो यहां से कोई सहयोग नहीं लिया जाएगा। बोल्ड बोल्ड अंतिम ओवर बोल्ड, पांचवा विकेट गिरा और ये शायद एक दो बॉल बची होंगी, एक बॉल शेष, खिलाड़ी जल्दी जाए। पारी की समाप्ति, 10 ओवर में स्कोर हुआ 87 रन, अच्छा, और ये जीतने के लिए चाहिए 88 रन, मालोनी को 88 रन चाहिए 10 ओवर में 8.8 के स्कोर से, और जिस खिलाड़ी ने सिक्स लगाए हैं वो अपना नमकीन का पाउच कलेक्ट करें, कमेंट्री बॉक्स के पास आए, दिलीप शर्मा जी द्वारा नमकीन का पाउच, कमेंट्री बॉक्स के पास आए सिक्स लगाने वाले स्टोनिस और नीरज, वो हमारे पास लिखा हुआ रहता है, दो है या एक है, स्टोनिस दो नवकिन के पास कलेक्ट करें दिलीप शर्मा जी द्वारा, नीरज एक सिक्स लगाया था, नवकिन का पाउच कलेक्ट करें दिलीप शर्मा जी द्वारा प्रत्येक मैच में सिक्स लगाने पर नमकीन का पाउच दिया जा रहा है, और जीतने वाली टीम को 2.5 लीटर की चमचमाती हुई ठंडी कोल्ड ड्रिंक 11 गिलास फ्री। नेक्स्ट टीम अपनी फील्डिंग लगाए, इसके बाद में नेक्स्ट मैच है, इसके बाद में नेक्स्ट टीम है, 88 का स्कोर हुआ है 88।
88 चाहिए जीतने के लिए। अजयकांत शर्मा जी सरपंच साहब का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कमेटी द्वारा। सतवीर परमार जी हार्दिक अभिनंदन, आप लोग पधारे, ऐसे ही समय समय पे आते रहे, मनोबल बढ़ाते रहे। आज किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शक्ति दादा जी पूर्व सरपंच साहब उपस्थित नहीं हुए हैं, डेली वो मैच की शोभा बढ़ाते हैं। दीपू चाचा जी मेरी आवाज सुन रहे हो, कमेंट्री बॉक्स के पास आए दीपू चाचा। अनुभवी स्कोरर दीपू परमार जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स के पास आए दीपू परमार जी। लव परमार जी, कुश परमार जी, गौरव शर्मा जी, आपका जो ये लाइव आ रहा है उसको ग्रुप में भेजें। यूट्यूब पे क्या डालने से लाइव आएगा, श्री हरि शरण में क्या है उसको ग्रुप में डालें जिससे सुविधा रहे, ग्रुप में भेज दें जो लाइव आपका चल रहा है उसके। और ये दम्मू काफ़ी, इसकी टीम ने काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा किया था और ये विजेता हुआ था दम्मू और फ्रामू। कोई भी खिलाड़ी मैच को छोड़ के नहीं जाएगा, कोई भी दर्शक मैच को छोड़ के नहीं जाएगा। और ये लाइन खराब हो गई है, लाइन के ऊपर जो कुछ केमिकल या क्या नाम बोलते हैं वो डाला जाता है उसको डाल के आए, लाइन के ऊपर जो डाला जाता है उसको डाल के आए। मैं सफेदी नाम नहीं लूंगा, लाइन के ऊपर जो डाल के आते हैं वो डाल के आए। सारी लाइनें खराब हो गई हैं उसके ऊपर जो डालते हैं वो डाल के आए। मैं सफेदी नाम नहीं लूंगा। रघु परमार जी द्वारा बहुत अच्छा सहयोग, लाइव टेलीकास्ट, लव परमार साहब आराम करते हुए मैच का आनंद लेते हुए। और लव परमार जी बड़ा आनंद ले रहे हैं, ठंडे आराम कर रहे हैं। मैच को प्रारंभ करें अति शीघ्र, जो भी डालना था उसको डाल के आए और मैच को प्रारंभ करें। अब ये दो दो कैंडिडेट हैं, एक की माताजी का नाम भी शायद सफेदी है, दूसरे का भी वो कह रहे हैं किसने हमारा कहा, तो वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। उधर से भी किसी की माताजी का नाम सफेदी है और इधर से भी, तो उनकी माताजी को नहीं डालना है, केवल जो पाउडर है वो डाल के आए। और तीसरा खिलाड़ी कह रहा है कि कलई तो बिल्कुल मत बोलना, उसकी माताजी का नाम है। तो भैया जो भी है वो लाइन पे जो सही करने के लिए केमिकल डालते हैं वो डाल के आए। ना
हेलो, हाँ स्वागत है आप सभी का। कृपया अपनी फील्डिंग जल्दी लगाएं। अपनी फील्डिंग जल्दी लगाएं और धन्यवाद है दर्शकों का जो इतनी लेट रात तक बैठे हुए होते हैं और मैच का लुत्फ उठा रहे होते हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है कि ग्राउंड पर जब दर्शक रहते हैं तो जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अजफाई होती है, तो ये भी अपना जो ये भी अपना योगदान बराबर दे रहे हैं। और रजौरा टीम और टुंडा क्लब कैंथरी के कैप्टन रजौरा एंड जो दूसरा क्लब है उनके कैप्टन आ जाए, तोमर क्लब के कैप्टन। अभी दर्शक मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बॉलर ने यहाँ कोई अपना एक मेंबर कमेंट्री बॉक्स के पास भेज दें जो नाम बताते रहे। रजौरे के कैप्टन कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। और बसीन नवाब ने फील्डिंग जमा ली है और मालोनी ने अपने प्लेयर भेज दिए हैं। मैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, कृपया दर्शक अपना निर्धारित स्थान ग्रहण कर लें और जो मैच शुरू होने वाला है उसका आनंद उठाएं। और जो इलेक्ट्रिक पोल हैं उनसे आवश्यक दूरी बना के रखें। और ये पहली बॉल मैच की और स्ट्रेट खेल दिया है, सीधा फील्डर मौजूद हैं, एक रन। जीत के लिए 88 रन का टारगेट है और पहली बॉल पर ही खाता खोला, एक रन। दूसरी बॉल बसे नवाब और बॉल को खेलना चाहते थे, बॉल मिस करके ऊपर हट गई और एक कैच लिया और ये आउट। मालोनी ने अपना पहला विकेट गवा दिया है बहुत जल्दी। मालोनी ने अपना पहला विकेट गवा दिया है। अभी कुछ डिस्कस चल रहा है और आउट है वो, एम्पायर का निर्णय पहले ही आ गया था, आउट है। काफी अनुभवी एम्पायर हैं तो बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन देते हैं। मैच की दूसरी पारी शुरू हो रही है। मालोनी पवार ने बहुत जल्दी अपना एक विकेट मालोनी ने बहुत जल्दी अपना एक विकेट ठीक है एक विकेट गवा दिया है। बसे नवाब का पहला ओवर चल रहा है, बॉलिंग बहुत अच्छी करा रहे हैं कि और अपना एक विकेट अपने नाम किया है। पवन आए हैं नए बैट्समैन। पवन नए बैट्समैन जा रहे हैं खेलने के लिए। और बस ही नवाब बॉल कर बाइट, बॉल थोड़ी सी लाइन लेन चुके और बॉल बाइट, एक रन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है खाते में मालोनी। तोमर क्लब ने टॉस जीता है और बॉलिंग करने का फैसला लिया है, अगला मैच जो होगा उसमें बॉलिंग करेंगे बस ही नवाब। और लगातार दूसरी बैट बॉल। अभी इन्होंने एक विकेट ली थी, बहुत बॉल बहुत अच्छी लाइन लेंथ पर थी, अभी थोड़ी दिशा चूक रहे हैं। तीसरा मैच रजौरा खुर्द और तोमर क्लब से होगा।
नीरज ने बॉल पैरों के नीचे डाली सीधी और बैट बॉल है। पहला ओवर अभी रनिंग में है। बसई नवाब ने अच्छी बॉलिंग अभी पेश की है, एक विकेट का नुकसान किया है मालोनी खुर्द का और बहुत ही अच्छी बॉल बैट्समैन नहीं समझ पाए। दर्शक पूरा आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं मैच का। बॉल चलते हुए आगे चल खेलना चाहते थे और बैट बॉल इस ओवर में तीन बैट जा चुकी है, चार बैट इस ओवर में जा चुकी है। हाँ, एक विकेट भी ली है लेकिन एक्स्ट्रा चार बैट दे दी हैं। बॉल और बैट बॉल, एम्पायर का इशारा बैट बॉल। बैट बॉल लिया, एक रन भी लिया लेग वाई का, एक रन भी पूरा किया भाई। सात रन हो गए हैं। सात रन हो गए हैं जिनमें छह रन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा के आए हुए हैं छह रन। टोटल स्कोर सात रन है। अभी फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। बॉलर बॉल लेकर आते हुए सामना करेंगे और बॉल थोड़ी ऊपर उठी, उठा के खेलने का प्रयास किया और ये आउट। पीछे बहुत अच्छा कैच लिया बॉलर की, बॉल को बैट्समैन समझ नहीं पाए। बॉलर बॉल बाउंस होके बल्ले से टच करके पीछे चली गई और दूसरा झटका लगता हुआ मालोनी खुर्द को। बसई नवाब ने काफी अच्छी शुरुआत की है, दो विकेट अभी तक झटक लिए हैं। अठासी रन का टारगेट है। फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेलने आए हैं। धर्मेश लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेलने के लिए आए हैं। पहला ओवर अभी प्रगति पर है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए फील्डिंग परिवर्तन करना होता है, वो एक टिपिकल प्रोसेस होती है क्योंकि राइट हैंड आ जाए तो उधर की साइड, लेफ्ट हैंड आ जाए तो इधर की साइड। और बॉल लेकर आते हुए और बॉल को सम्मान देना चाहते थे नीचे लेकिन ऊपर उठ गई कैच, हो सकता था थोड़ा दूर रहा। पहली बॉल पर खाता खोला है बन्ने। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, काफ़ी दर्शक भी देखने के लिए आ रहे हैं रात्रि में। और एक अलग ही जगह बनाई है राजस्थान में कहूँगा, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट बहुत कम ही होते हैं। बॉल आती हुई
और बॉल को खेल दिया है फाइन लेग की तरफ और ओवर की समाप्ति। और कमेटी की तरफ से एम्पायरों के लिए आइसक्रीम उपलब्ध कराई जा रही है, तो कृपया एम्पायर हैं वो आइसक्रीम का आनंद रह लें और ठंडे रहें। आठ रन एक ओवर की समाप्ति, दो विकेट का लॉस मालोनी खोर को। दूसरा ओवर शुरू हो रहा है। बसेन अब आपकी अच्छी शुरुआत है एक ओवर में ही, और भूदेव आए हैं बसेन अब का दूसरा ओवर लेके। दूसरी ओवर की पहली बॉल बहुत सीधी निकलती हुई बॉल पड़ी और सीधी निकल गई, बैट्समैन नहीं समझ पाए। भूदेव की बहुत अच्छी बॉल, और ये कमेटी के सदस्य केवल एम्पायरों को आइसक्रीम नहीं खिलाएं, उसका रैपर है कम से कम कमेंट्री बॉक्स में ही पहुंचाएं, ज्यादा नहीं तो उसका रैपर ही पहुंचा दें। कमेटी के सदस्य शिव शर्मा जी, स्कोर नो बॉल, नो बॉल और फ्री हिट, पैर की नो बॉल फ्री हिट। नो बॉल, अभी फिर हिट है बल्लेबाज के सामने। भूदेव अपनी बॉल डालेंगे, देखे किस तरह के डालते हैं। फ्री हिट बॉल थी, सीधी डाली, एक रन ही मिल पाएगा। भूदेव ने अपनी फ्री हिट बॉल को अच्छे तरीके से निकाला। मालोनी की शुरुआत, गौरव कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, आपकी कमेटी के सदस्य बुला रहे हैं आपको। भूदेव अपनी तीसरी बॉल लेकर आएंगे, रनअप काफी लंबा ले रहे हैं। बॉल और सीधा उठा के खेला है बॉल, बाउंड्री लाइन से बाहर, छह रन, बहुत बेहतरीन छक्का, एक नमकीन का पाउच जीतते हुए। सीधे बल्ले से खेला और बाउंड्री लाइन के बाहर हो गई, और कमेंट कमेटी की तरफ से कमेंटर और स्कोरर उनके लिए भी आइसक्रीम उपलब्ध कराई गई है, धन्यवाद। भूदेव बॉल डिस्टर्ब हुए डालने में कहेंगे। यहां मालोनी खुर्द ने अपने दो विकेट बहुत जल्दी गवा दिए हैं, तो बैट्समैनों पर जिम्मा है कि इन्हें रुक के खेलना होगा। बॉल आती हुई और फिर से सीधे बल्ले से खेला है और अगेन छह रन, बहुत ही अच्छा छक्का पवन के द्वारा, दूसरा नमकीन का पाउच जीतते हुए। और स्कोर पहुंच गया है 22 रन दो विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है, रन रेट काफी अच्छी चल रही है। भूदेव अपनी बॉल में तब्दीली करनी होगी, जिस तरीके से दो से सीधे बल्ले से खेल के लगाए हैं पवन ने, बहुत ही अच्छे छक्के थे। बॉल आती है और तीसरे को सीधा खेला है, फील्डर मौजूद हैं, एक रन पूरा किया पवन ने, मैच में दो छक्के लगाकर जान ला दी है एक तरीके से। सीधे बल्ले से खेले थे, बहुत अच्छे छक्के थे।
बहुत रोमांचक मैच चल रहा है अभी तक। दर्शक भी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। लड़का बॉल आते हुए, बॉल नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल और फ्री हिट। फील्डिंग नहीं तरीके से लगा पाए कैप्टन, एम्पायर को नो बॉल देनी पड़ी। और एम्पायर महोदय कृपया कंसंट्रेशन रखें, फोन वगैरह बंद रखें, कमेटी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है। और ये चीजें दिखाती हैं कप्तान की जिम्मेदारी, तो कप्तान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएं। आगे निकल के आए, बॉल सीधी निकल गई, बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। और दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है और 24 रन, दो ओवर, दो विकेट का नुकसान। रन रेट अच्छी चल रही है, दो विकेट जल्दी से गवा दिए हैं। अच्छा मैच चल रहा है अभी तक। पवन द्वारा से आगे स्ट्राइक पर, नीरज अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए हैं। एक खिलाड़ी आगे ले लिया है, बॉल डालेंगे नीरज, सामना करेंगे पवन, और सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर मौजूद हैं, एक रन पूरा किया। अभी नीरज बॉल डालेंगे, फील्डिंग में तब्दीली, लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक पर आ गए हैं। मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, सीधा बॉल डालते हुए, बॉल पड़ी और निकल गई, बहुत शानदार जगह पर टप्पा, बैट्समैन नहीं समझ पाए, बीट करते हुए बैट्समैन को नीरज। अच्छा मैच चल रहा है, बॉल बाहर पहुंच गई तो जब ये अंदर आई है, नीरज फिर से बॉल लेकर आएंगे। मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, बॉल लेकर आते हुए नीरज, और बैड बॉल, बैड बॉल। धन्यवाद सोमेश जी, फोर रन नो बॉल। कमेंट्री बॉक्स के सामने से थोड़ा फील्डर इधर उधर हो जाए भैया, कमेंट्री बॉक्स के सामने, धन्यवाद। एक रन पूरा किया, अच्छी अपील लेकिन उतनी अच्छी एम्पायरिंग। अजय परमार जी, कुश प्रताप सिंह जी,
अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग। पावर प्ले का अंतिम ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर। बहुत अच्छी लाइव रघु परमार एवं सूरज द्वारा मैच का लाइव आनंद लिया जा रहा है। पहली राजस्थान की पहली ग्रामीण रात्रिकालीन टूर्नामेंट प्रतियोगिता जिसमें लाइव चलाया जा रहा है, राजस्थान की पहली ग्रामीण रात्रिकालीन प्रतियोगिता जिसमें लाइव प्रसारण किया जा रहा है। कैथरी क्रिकेट क्लब की द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन, व्हाइट बॉल एम्पायर अजय परमार जी द्वारा। तीसरा ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर, 10 ओवर का मैच, जीत के लिए चाहिए 88 रन। स्कोर हुआ 33 रन, 33। अच्छा एक रन पूरा किया, स्कोर हुआ 34 रन। तीन ओवर की तीन ओवर की समाप्ति, 33 रन। तीन ओवर प्रगति पर तीसरा ओवर, और ये तीसरे ओवर की समाप्ति, स्कोर 33 रन 34। और ये ऐसा नहीं कमेटी बड़ा बड़ा खा रही है, एम्पायरों को इतना छोटा सा आइसक्रीम। शिव शर्मा जी, रानू शर्मा जी आनंद लेते हुए मैच का, कमेटी सदस्य। लव प्रताप सिंह जी, ये गलत बात है, कमेटी के सदस्य लव प्रताप सिंह जी, कमेटी के सदस्य ये, और एम्पायर कमेंटरों को ये। पावर प्ले की समाप्ति, चौथा ओवर प्रगति पर, बॉलर नेम भूदेव देवा। साथी कमेंटर सोमेश देवा चौथा ओवर लेकर आए हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डिंग फैल चुकी है, दोनों बैट्समैनों ने पारी को संभाला है। मालोनी ने अपने दो विकेट बहुत जल्दी गवा दिए थे, उसके बाद ये दोनों बैट्समैन क्रीज पर टिके हुए हैं, रन रेट को अच्छे तरीके से मेंटेन करे हुए हैं। चौंतीस रन हो चुके हैं तीन ओवर की समाप्ति पर, रन रेट 11 से ज़्यादा की, फील्डिंग फैल चुकी है। चौथे ओवर की पहली बॉल आती हुई और उठा के खेलना चाहते थे, बॉल बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, डॉट बॉल। दर्शक मैच का पूरा लुप्त उठा रहे हैं, चारों तरफ ग्राउंड के बैठे हुए हैं। और चौथे ओवर की दूसरी बॉल आती हुई
और खेलना चाहते थे, आगे की तरफ बॉल ऊपर लग कर गई, एक रन पूरा किया पवन ने। मैच रोमांचक मोड की तरफ जा रहा है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन धर्मेश स्ट्राइक पर आ चुके हैं, फील्डिंग उनके अकॉर्डिंग लगा दी गई है बॉल आती हुई, और बैट बॉल, बैट बॉल, बॉलर अपनी दिशा को चूके और बॉल बैट की तरफ गई, एक रन एक्स्ट्रा दिया। बैट्समैन तैयार हैं बॉल लेकर आते हुए, ओहो बॉल को ऊपर उठाकर खेलना चाहते थे, बॉल नहीं लगी, रन लेने की कोशिश की, जब तक फील्डर पहुंच चुके थे वापस आना पड़ा क्रीज पर, रन नहीं चुरा पाए। मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, बॉल आती क्रीज से बाहर निकल कर आए, फिर से बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं, धर्मेश धर्मेश जी का बल्ला अभी नहीं चल रहा है तरीके से, अगेन उठाकर खेलना चाहते थे, बॉल बल्ले का फिर से कोई संपर्क नहीं हो पाया। धर्मेश अपना विकेट को तो रोके हुए लेकिन रनों में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, ये क्या अब ये राइट हैंड खेलेंगे, एक बार जिस हैंड से शुरुआत कर दी उसी से खेलना पड़ेगा आपको, उसके बाद अपनी स्किल आप बीच में दिखा सकते हो। और ये बैट बॉल, बैट बॉल, एक्स्ट्रा रनों का बहुत योगदान रहा है मालोनी का स्कोर बढ़ाने में, काफी एक्स्ट्रा रन गए हैं बसी नवाब की तरफ से, और फिर से बैट बॉल, फिर से एक रन और एक्स्ट्रा। यहाँ जो बसई नवाब टीम है उन्हें एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश लगाना पड़ेगा अगर मैच में अपनी पकड़ रखनी है तो, 19 रन एक्स्ट्रा के दे चुके हैं अभी तक, 37 रन में से 19 रन एक्स्ट्रा के दिए, और फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल, धर्मेश अपना रन बनाने में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। चार ओवर की समाप्ति पर 37 रन, बीच में कोई खिलाड़ी नहीं जाएगा, बीच में कोई खिलाड़ी नहीं जाएगा, एम्पायर बीच में कोई खिलाड़ी नहीं जाएगा, चार ओवर की समाप्ति 37 रन, और ये धर्मेश अगर ऐसे ही खड़ा रहा तो बसई नवाब जीत जाएगी, धर्मेश का बहुत योगदान रहेगा बसई नवाब को जिताने में। और 19 रन एक्स्ट्रा रन, 19 नवाब बसई एक्स्ट्रा रन से थोड़ा सा बचे, जितने रन खिलाड़ियों ने नहीं बनाए उससे ज्यादा एक्स्ट्रा रन। बॉलर नीरज और ये बॉलिंग मार के जाते हुए
बेहतरीन अच्छा ही बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग। सचिन मैच का आनंद लेते हुए, सूरज और रघु परमार जी द्वारा लाइव टेलीकास्ट। राजस्थान का पहला रात्रिकालीन ग्रामीण टूर्नामेंट जिसकी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और ये बापा डॉट बॉल, और ये धर्मेश ने अपनी रणनीति पवन को दी। पवन भी दो बॉलों को छोड़ दिया है। पांचवा ओवर प्रगति पर, स्कोर में कोई वृद्धि नहीं। शाबाश, और ये कोई फील्डर नहीं है, कोई ले नहीं पाएगा। एक रन पूरा किया और वापस धर्मेश स्ट्राइक पर। स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन में 19 रन व्हाइट के, एक्स्ट्रा रन 19। बसई नवाब को सोचना चाहिए, 19 रन 38 टोटल स्कोर, 38 19 रन एक्स्ट्रा। वो तो धर्मेश है अभी तक, जो आप लोग जीतने के कगार पे। बसई नवाब धर्मेश है तो जीत निश्चित है बसई नवाब की। वाइड बॉल, ये 20 रन आपके एक्स्ट्रा। और मैंने देखा है इस खिलाड़ी को, काफी देर से देखा है, अनुभव भी है। बॉल निकलने के बाद में धर्मेश बहुत अच्छी तरह से बैट को घुमाते हैं, लेकिन बॉल निकलने के बाद पूरा जोर लगा रहे हैं धर्मेश। बॉल का अभी संपर्क नहीं हुआ है धर्मेश के बैट से, और ये कैच भी नहीं लिया इस खिलाड़ी का। और ये दो रन पूरे किए, तीसरे रन के लिए दौड़े, तीसरा रन मने किया धर्मेश का। एक घंटे बाद पहला बैट से बॉल का संपर्क हुआ धर्मेश का, दो रन धर्मेश का। पहली बार बैट से बॉलिंग का संपर्क हुआ धर्मेश का। मालोनी का स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, जीत के लिए चाहिए 88 रन। और ये नो बॉल का इशारा, और एक रन लिया, दो बॉल। फ्रेड 43 रन, 43 रन का स्कोर हुआ मालोनी का। एम्पायर काफी अनुभवी, अजय परमार जी, कुश प्रताप सिंह जी। तीसरा मैच बहुत अच्छा मैच, सुंदर मैच। तोमर क्लब बारसेज रजौरा खुर्द बारसेज तोमर क्लब ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का निर्णय। कल पांच मैच होंगे, सुबह 6 बजे तक चलेंगे पूरी रात। कल पांच मैच हैं, कमेटी सदस्यों का निर्णय, पांच मैच हैं, पूरी रात चलेंगे। अच्छा, इस ग्राउंड का ही वाइड बॉल, इस ग्राउंड का नो बॉल, लेग एम्पायर नो बॉल। कछु नहीं, कछु से काम नहीं चलेगा। नो बॉल है तो फ्री हिट मिलेगा, वाइड पे फ्री नहीं मिलेगा। कछु नहीं, उसे कछु नहीं भैया, जो है वो ही देना, कछु नहीं। नो बॉल फ्री हिट एम्पायर द्वारा। लाइव टेलीकास्ट रघु परमार, सूरज बेहतरीन योगदान। कैथरी रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट, राजस्थान का पहला रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट। अच्छा, और एक रन चुरा लिया है।
लेग वाई वाई लेग वाई वाई एम्पायर अजय परमार जी का इशारा वाई दर्शक अभी छतों पे डटे हुए छतों से आनंद लेते हुए 45 रन धर्मेश स्ट्राइक पर और यही हाल रहा तो धर्मेश को पैदल गांव जाना पड़ेगा। सात ही खिलाड़ी जा रहे हैं उसको छोड़ के। धर्मेश अच्छा शॉट बेहतरीन शॉट और ये फोर रन बेहतरीन। जाना नहीं है भैया, जाना नहीं है, धर्मेश को लेके जाना, धर्मेश को लेके जाना, किसी भी खिलाड़ी को जाना नहीं है। एम्पायर दौड़ते हुए कुश प्रताप सिंह जी, कुश प्रताप सिंह जी एम्पायर दौड़ते हुए। 8 दिन से ये करवा चौथ का व्रत किए हुए हैं, 8 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, अभी कुछ प्रेशर आया है इसलिए ये दौड़ रहे हैं। एम्पायर न्यू एम्पायर रानू शर्मा जी, क्या स्कोर हुआ? 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ 49 रन जिसमें से 21 रन एक्स्ट्रा। कोई भी दर्शक कुर्सी छोड़ के नहीं जाएगा। सरपंच साहब जोगेश्वर सिंह जी पानी की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, खिलाड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। और दर्शक प्रकाश सिंह जी, पहाड़िया जी, राम नारायण दादाजी, पंडित जी, शिव कुमार शर्मा जी, नरेंद्र शास्त्री जी, सभी खिलाड़ी मैच का आनंद लेते हुए। वकील साहब मैच का आनंद लेते हुए आ रजौरे के वकील साहब स्वागत करती है कमेटी उनका, अपना बहुमूल्य कीमती समय दे करके इस मैदान की शोभा बढ़ाई। रजौरे वकील साहब कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है मनोबल बढ़ाने के लिए। मैच को प्रारंभ करवाएं, शीघ्र प्रारंभ करवाएं। खिलाड़ियों से अतिरिक्त जो दर्शक हैं वो बाहर आ जाएं, खिलाड़ियों से अतिरिक्त जो दर्शक हैं मैदान से बाहर आएं। रोहित सागर एंड पार्टी, इन बच्चों का बड़ा अहम योगदान रहा है सभी मैचों में। पानी का दायित्व तो संभाले हुए, सफेदी का दायित्व मुनेंद्र, और ये दर्शक मालोनी का बड़ा आनंद ले रहे हैं। स्कोर हुआ 49 रन, 5 ओवर की समाप्ति, 49 रन मालोनी का। कट्टी में किसी की माताजी हैं, उन माताजी का नाम नहीं लूंगा। कट्टी के अंदर किसी की माताजी गई हैं, उसका नाम नहीं लूंगा। और बॉर्डर लाइन के पास जितने भी दर्शक हैं, रस्सा के पास जितने भी दर्शक हैं,
इसी नाम के चक्कर में आज हमने रस्सा लगाया। पहले इस के ग्राउंड के चारों तरफ सफेदी को डालते थे, लेकिन इस चक्कर में रस्सा को डाला गया। और ये जल्दी बाल्टी को लेके आए। लाइन के लिए इसमें जो भी पाउडर आता है उसको डाल लें। बहुत अच्छा मैच। कमेटी सदस्य कुश प्रताप जी की खिंचाई हुई, तुरंत दौड़ के गए कुश प्रताप सिंह जी। लव प्रताप सिंह जी मैच का आनंद लेते हुए। रजनीकांत शर्मा जी, दीपा बोरे, रघु परमार साहब। बॉलर नेम देवा। पहले भी बॉल ओवर करके गए थे देवा। बॉलर नेम देवा। एम्पायर रानू शर्मा। छठवां ओवर प्रगति पर सामना करेंगे धर्मेश। काफी समय से टिके हुए हैं। वाइड बॉल ऑफ है। बसई नवाब को अंकुश करना चाहिए। जितना स्कोर अभी बैट्समैनों ने नहीं बनाया है उतना वाइड बॉल दे चुके हैं। मैच का आयोजन, प्रत्येक मैच में कमेटी द्वारा मैन ऑफ द मैच शील्ड और बीआरपी कॉलेज कैथरी की तरफ से मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को एक शानदार टी शर्ट, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को शानदार टी शर्ट बीआरपी कॉलेज की तरफ से, डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल, महर्षि पाराशर योग महाविद्यालय, आईटीआई, बीए, बीएससी में एडमिशन प्रारंभ, बीआरपी कॉलेज। बच्चियों के लिए फीस में 50% का डिस्काउंट बीआरपी कॉलेज की तरफ से बीए में एडमिशन लेने, बीएससी में एडमिशन लेने पर। और स्कोर बोर्ड में वृद्धि 53 रन। मालोनी खुर्द का स्कोर हुआ 53। धर्मेश का शानदार सोच, बैट से नहीं तो वाइट तो निकली जाएगी। धर्मेश की शानदार सोच। एक्स्ट्रा रनों पे अंकुश करना पड़ेगा वसई नवाब को जीतने के लिए। अच्छा शॉट, नीचे फील्डर, देखते हैं होता क्या है। और ये ऐसे खिलाड़ियों का तो ले लिया जाता है कैच, कैच आउट। और वसई नवाब ने बहुत बड़ी गलती की है। ये खिलाड़ी ही आपको मैच जिता सकता था। धर्मेश वसई नवाब को जिता सकता था। और ये इसके धर्मेश के स्वागत में। और ये आप लोगों को बता दें, और ये धर्मेश जैसे खिलाड़ी रहेंगे तो अगली टीम जीती जाती है। और ये आप लोगों को बता दें, पान सिंह तोमर साहब क्लब वर्सेज रजौरा खोर्द। पान सिंह तोमर
इसके कैप्टन है तरुण टुंडा, पानसिंह तोमर क्लब के कैप्टन तरुण टुंडा और रजौरा खुर्द के कैप्टन है। नेक्स्ट मैच बड़ा रोमांचक मैच होने वाला है, दिल्ली के खिलाड़ी रणजी खिलाड़ी। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, पहले भी इन्होंने, और ये सिक्स, एम्पायरों पर आउट, बाउंड्री पर कैच, बेहतरीन कैच, दर्शक भी कह रहे हैं कैच आउट। देवा देवा देवा, ये कौन है बॉलर नेम, बॉलर नेम प्लीज। नो बॉल, नो बॉल का इशारा, कमेंट्री बॉक्स से नो बॉल का इशारा। बॉलर नेम नहीं बोल रहे आप लोगों को, 10 बार समा दिया, क्यों नहीं एक खिलाड़ी भी डालते हो यहां पे। अब क्यों बता रहे हो भूदेव, आउट, एम्पायर डिसीजन देंगे, एम्पायर अजय परमार जी, क्या खिलाड़ी आउट है, आउट। नेक्स्ट बार आपका कोई भी खिलाड़ी अगर कमेंट्री बॉक्स के पास नहीं आएगा नो बॉल दी जाएगी, आपको वार्निंग दी जाती है। दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के पास होना चाहिए, मैच होने से पहले हम लोग आप लोगों को सूचित कर देते हैं। बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा ये खिलाड़ी जब तक था, बहुत अच्छा अकेले ने संघर्ष किया। और आप सोनू, नए खिलाड़ी का नाम सोनू, इसका नाम क्या है, इसका भी पवन, आपने सिक्स लगाए थे कमेंट्री बॉक्स के पास आकर के दिलीप शर्मा जी द्वारा, अपना नमकीन का पाउच कलेक्ट कर रहे हैं पवन। बेहतरीन शॉट सामने, बहुत शानदार शॉट लगाए थे, 2 सिक्स लगाए थे पवन। पवन कॉमेंट्री बॉक्स के पास आकर के इधर आ जाएं, सामने से इधर आ जाएं पवन, सम्मान सम्मान होता है और ऐसे खिलाड़ियों से आप लोगों का मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद पवन के लिए, बहुत अच्छे शॉट लगाए पवन ने, ये जितने भी रन बने वो पवन के बल्ले से बने, इतने कम रन बने उसमें धर्मेश का बहुत योगदान, 19 रन पवन के, 22-23 रन वाइट के। स्कोर हुआ, स्कोर 1 विकेट और गया 53 रन पर। तू चल मैं आया, उसी पद्धति पर पवन जब तक खेल रहे थे मैच जीतने की उम्मीद थी, विकेट पे विकेट गए। जाधव साहब आ रहे हैं, कल इनका मैच है, खतरनाक मैच होगा, बहुत दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं जाधव साहब की टीम में, रणजी टीम के प्लेयर, आईपीएल के जो 40 लाख की बोली थी उसमें वो बिके नहीं थे, सुरेश रैना जी, और ये जाधव साहब की टीम से खेलेंगे सुरेश रैना। कल का मैच है, बड़ा रोमांच मैच है, हैट्रिक चांस भूदेव, हैट्रिक बॉल, दिल थाम के रखिए, हैट्रिक बॉल भूदेव की, हर बॉल में 5 मिनट लगाओगे तो आपके ओवर कम कर दिए जाएंगे, तुरंत करें, तुरंत करें, हैट्रिक बॉल, और ये हैट्रिक चांस गवाया, नो बॉल। खिलाड़ी का नाम सोनू, शौकीन, शौकीन क्रिकेट के शौकीन, नो बॉल, फ्री हिट, स्कोर हुआ बढ़ करके 55 रन। कौन सा ओवर, चार विकेट के नुकसान पर 53 रन, 53 55, और ये गया कैच ड्रॉ,
पूत के पाए पालने में दिख रहा था कैच नहीं ले पाएंगे, जीवन दान मिला, जीतने की संभावनाएं बढ़ी। लाइट का कोई कारण नहीं है, कल एक टीम खेली थी सारे कैच लिए थे, लाइट के लिए तरफ नहीं देखे, लाइट तो बहुत अच्छी है। अच्छा बोल, धैर्य से काम लें, धैर्य से काम लें, जीतने की संभावना है। और जब तक क्रीज पे धर्मेश थे कम से कम विकेट नहीं गिर रहे थे, लेकिन उनको कोच कोच करके चैट चैट कर गौतम, ठीक है यार, गौतम गंभीर क्रीज पर, ठीक है, निरोतम उर्फ गौतम, गौतम खेलते हुए। ओहो एम्पायर, काफी अनुभवी एम्पायर, अजय परमार जी, रानू शर्मा जी, बेहतरीन एम्पायरिंग, अच्छी अपील। और नो बॉल का इशारा, फ्री हिट भी मिलेगी। कृपया कमेंट्री बॉक्स से दूरी बना लें, जिससे उजाला है वो आवश्यक रूप से आ सके और सभी दर्शक हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैच में भी रोमांच बाकी है, क्रिकेट है, कभी भी बदल सकता है पाला, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। धन्यवाद, दर्शक की डिमांड थी। और खेला है, बॉल उठी थर्ड मैन की तरफ, एक रन। अट्ठावन रन, 6 विकेट। सात ओवर 58 रन और 6 विकेट। सात ओवर में 58 रन, 18 बॉलों में 31 रन चाहिए। अट्ठावन रन, 7 ओवर, 30 रन की जरूरत है 3 ओवरों में। और बहुत ऊंची बॉल जाती हुई, वाइड का इशारा और एक रन बाई का भी मिला, और वन बाउंस लेग एम्पायर के द्वारा। इस बॉल पे आए 2 रन, बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 60 रन। अठारह बॉलों में 28 रन चाहिए। मैच में रोमांच अभी बाकी है, दोनों टीमों के हाथ में, दोनों टीमों के भी पकड़ बनी हुई है। यहां से आगे का खेल डिसाइड करेगा कौन जीतेगा। बॉल और फिर से वाइड बॉल। एक चीज पे जो बसेना बाब टीम है उन्हें ध्यान देना होगा कि जो एक्स्ट्रा रन है वो बहुत ज्यादा दिए हैं, अगर एक्स्ट्रा रन नहीं देते तो अब तक मैच उनके हाथ में होता। और फिर से बॉल को खेला है, हिट विकेट, 1 रन। बासठ रन स्कोर हुआ, 62 रन। देवा अपने कोटे का 3रा ओवर डालते हुए, जो कि अंतिम होगा। और ये बोल्ड, यॉर्क लेंथ की बॉल सीधी विकेटों में जाके भिड़ी और बोल्ड।
और निरुत्तम बोल्ड होके आ रहे हैं और 7 विकेट गवा दी हैं मालोनी खोर्द ने अभी तक। 8वां ओवर जारी है, 8वां ओवर जारी है, 7 विकेट गवा दी हैं, 62 रन। विकेटें बहुत जल्दी जल्दी गिर रही हैं, रन तो एक्स्ट्रा के पूरे दे रहे हैं। बसी नवाब कह रहे हैं कि जीतो आप, लेकिन मालोनी नहीं उसका फायदा उठा पा रही मालोनी वाली टीम। और डॉट बॉल, मैच का निर्णय बहुत जल्दी आ जाएगा। आज एक्स्ट्रा रन काफी गए हैं बसी नवाब के द्वारा। दर्शक कृपया ग्राउंड से बाहर होके जाएं, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है ग्राउंड से बाहर होके जाएं। आगे आके खेला बॉल को, रन आउट होने का चांस और ये रन आउट, ये रन आउट करके एक और विकेट का झटका दिया। रिंकू रन आउट हो गए हैं और 8 विकेट जा चुकी हैं, 8 विकेट गवा दी हैं मालोनी खुर्द ने। आठवां ओवर जारी है, 8 विकेट गवा दी हैं। बासठ रन 8 विकेट और 8वां ओवर गति पर है। विकेटें एक साथ फिर से बहुत जल्दी जल्दी गवा दी हैं। बीच में पारी को संभाला था पवन और धर्मेश ने कट किया बॉल को, एक रन पूरा किया। दुष्यंत आए खेलने, ग्राउंड में दर्शक चारों तरफ मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि खिलाड़ी उनका मनोरंजन करें। दर्शक के लिए मनोरंजन छक्के चौके और आउट तीनों ही चीजें मनोरंजन करती हैं दर्शकों का। और बॉल आती हुई, बॉल ऊपर थी, एम्पायर ने नो दी है और एक रन भी पूरा किया। नो बॉल और फ्री हिट मिलेगी, फ्री हिट, ये बॉल पर फ्री हिट है। देखते हैं बैट्समैन फायदा उठा पाएंगे कि नहीं। अमूमन ये देखा गया है कि जो फ्री हिट रही है उस पर कोई बड़ा शॉट आ नहीं पाता है। इस बॉल पे इंतजार करेंगे कि बड़ा शॉट आए, फ्री हिट है तो उसका फायदा मिल पाए। और ये डॉट बॉल, इस फ्री हिट पे भी कोई फायदा नहीं हुआ और 8 ओवर पूरे 65 रन पे, 65 रन 8 ओवर में, 8 विकेट जा चुकी हैं। मालोनी खोर्द ने 8 विकेट गवा दी हैं 65 रन पे, 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। 2 ओवर का खेल बाकी है, अब ये आने वाला ओवर है। 12 बॉलों में 23 रन चाहिए, 12 बॉलों में 23 रन। अब ये वाला ओवर डिसाइड करेगा, अगर इस ओवर में कुछ बड़े शॉट आते हैं तो मैच मालोनी के हाथ में हो सकता है, अन्यथा बसी नवाब मैच जीत जाएगी। बॉलर नेम भूदेव, भूदेव 8वां 9वां ओवर की पहली बॉल। रानू शर्मा जी एम्पायर साहब से निवेदन है मैच जल्दी करवाएं। नेक्स्ट अभी 3 टीमें और बैठी हुई हैं। बेहतरीन सेक्स, अच्छा सेक्स, स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन।
17 रन चाहिए जीतने के लिए, 11 बॉलों में 17 रन। बहुत अच्छा, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। ऐसे खिलाड़ी को पहले भेजना चाहिए था, बेहतरीन शॉट। मालानी खुर्द में कुछ संभावना बढ़ती हुई, दर्शक अच्छे, और एक रन चुरा लिया है, एक रन पूरा किया, बेहतरीन रन। मात्र 16 रन चाहिए जीतने के लिए, नहीं 16 रन चाहिए जीतने के लिए, 10 बॉलों में शायद, 10 बॉलों में 16 रन। रघु परमार जी लाइव दिखाने के लिए धन्यवाद। सूरज, सूरज जी, बसई नवाब को एक्स्ट्रा रन देने से अब बचना चाहिए, बसई नवाब को अब एक्स्ट्रा रन नहीं देने चाहिए। एक रन के लिए निकल पड़े हैं, कैसे भी रन आए ये के न प्रकार रन बनना चाहिए, 15 रन की आवश्यकता, 9 बॉलों में लेग वाई का, 9 बॉल 15 रन चाहिए जीतने के लिए मालोनी खुर्द को, 9 बॉलों में केवल और केवल 15 रन। अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, 2 रन के लिए निकलेंगे, लेकिन एक रन से संतोष किया, 14 रन की आवश्यकता, एक अतिरिक्त लेग वाई का रन। चौहत्तर का स्कोर, 9वां ओवर प्रगति पर, 14 रन चाहिए जीतने के लिए। कैसे भी लगे, पैर से लगे, बैट से लगे, वाइट लगे, अच्छा दौड़ पड़े है, और ये सामने बॉल, सामने फील्डर नहीं आएगा, सामने फील्डर आएगा अगर बैट से लग भी जाती है, सामने फील्डर नहीं आएगा अगर विकेट में लग भी जाती तो इसको नॉट आउट करार दिया जाता। काफी अनुभवी एम्पायर रानू शर्मा, सामने से स्पष्ट दिख रहा है, सामने से स्पष्ट क्लियर दिख रहा है, फील्डर सामने आ रहा है, रन लेते समय कोई भी फील्डर सामने आएगा भले ही विकेट में बॉल लग जाए, नॉट आउट माना जाएगा। अच्छे शॉट, काफी शॉट की उम्मीद कर रहे हैं, अच्छा शॉट खेले, आउट नहीं हो इस स्थिति में, शॉट अच्छा खेले, अभी बहुत सारी बॉल है, अभी बहुत बॉल है शेष है, और ओवर की समाप्ति, लेग एम्पायर ने आउट का इशारा किया, मैन एम्पायर अजय परमार जी बातचीत करते हुए आउट। जो सुतेमा दे वो ही जाए, जो खिलाड़ी सुतेमा दे सके, सुतेमा ये नया शॉट होता है यहाँ का, ग्रामीण अंचल का सुतेमा। सुतेमा शॉट, नया शॉट पहली बार सुन रहे हैं सुतेमा। स्कोर क्या हुआ, स्कोर 75 और विकेट। लास्ट जोड़ी मैदान में, केवल 6 बॉलों में 13 रन, अभी 13 रन। नहीं भैया आपको सूचित कर दें, इनके मोड़ों की टीम का कोई लैग, कोई एम्पायर नहीं है यहाँ का, आप लोगों को भाई धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का कोई एम्पायर नहीं है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का कोई एम्पायर नहीं है, ये तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहें, नहीं है कोई भी खिलाड़ी यहाँ का नहीं है। स्कोर 75 रन, 6 बॉल 13 रन, 6 बॉलों में 13 रन चाहिए। अच्छा शॉट,
एम्पायरों का डिसीजन मान्य होगा, एम्पायर पे दबाव नहीं बनाए, दोनों एम्पायर आपस में बातचीत करते हुए, दोनों एम्पायर आपस में बातचीत करते हुए एम्पायरों पे दबाव नहीं बनाया जाए। पांच बॉल शेष, लास्ट ओपनिंग जोड़ी, 13 रन की आवश्यकता, पांच बॉल शेष। अच्छा जजमेंट एम्पायरों का, नॉट आउट, नॉट आउट एम्पायरों पर, एम्पायरों से बहस नहीं करें, एम्पायरों से बहस नहीं करें, बड़े बड़े मैचों में एम्पायर से भूल हो जाती है, अगर कुछ हुआ भी होगा एम्पायरों से बहस नहीं करें, नहीं तो मैच रद्द कर दिया जाएगा। ओमबीर ने यहां सिक्स दिया था, एक सिक्स, एक नमकीन का पाउच, धन्यवाद दिलीप शर्मा जी का। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, फोर रन, उम्मीदें बढ़ती हुई, उम्मीदें बढ़ती हुई, खिलाड़ी नेम सतीश, कितना स्कोर हो गया, 79। चौका, एक रन, 80 रन, मात्र 8 रन दूर, 7 रन चाहिए सुपर ओवर खेलने के लिए, 7 रन चाहिए, छक्का से आगे, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, अच्छा शॉट, कितनी बॉल है एम्पायर, कितनी बॉल शेष, दो, अच्छा स्कोर, स्कोरर से कोई डिस्कशन नहीं, खाली बॉल, डॉट, एक बॉल, एक बॉल पर 6 रन, लास्ट बॉल 6 रन, लास्ट बॉल 6 रन चाहिए जीतने के लिए, हीरो बनने का चांस, 7 रन, 7 रन बराबर के लिए, 6 रन सुपर ओवर खेलने के लिए, 6 रन, बैट बॉल सुपर ओवर के लिए, 5 रन चाहिए, कोई भी दर्शक मैदान में नहीं जाएगा, सुपर ओवर खेलने के लिए 5 रन, जीतने के लिए 6 रन, सुपर ओवर खेलने के लिए केवल और केवल 5 रन, आप लोग डटे रहेंगे, एक और एक्स्ट्रा बॉल अभी जाएगी, आप लोग आराम से खेलें, फील्डिंग देखें, एम्पायर फील्डिंग देखें, सर्किल सीमा से केवल 5 बार, पहले भी ये 6 लोग थे,
बैट बॉल जाएगी, आराम से खेले स्कोर लेवल के लिए। अच्छा शॉट, और ये अच्छा शॉट, अच्छा शॉट नवाब सही विजयी, बहुत अच्छी बॉलिंग थी आज मालोनी की, बहुत कम स्कोर पर रोका। और ये नवाब बसाई विजयी मैन ऑफ द मैच, भूदेव मैन ऑफ द मैच। चार विकेट